आप देख रहे हैं सैफई बुलेटिन। जसवंत नगर में गैंगलेस म्यूजिक द्वारा चून ओर के गाना हुआ रिलीज। विधायक प्रतिनिधि ठाकुर अजेंद्र सिंह गौर, नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण शंखवार ने इंस्टाग्राम स्टार्स को किया सम्मानित। हिना भारती, अश्वी यादव, आकांक्षा राजपूत, पायल यदुवंशी, दीक्षा गौतम, राशि कश्यप, राधिका सोनी को किया गया सम्मानित। जसवंतनगर के ब्रज मिष्ठान रेस्टोरेंट में गैंगलेस म्यूजिक द्वारा हरियाणवी सॉन्ग चून ओर के आज रिलीज किया गया। इस मौके पर गाने की पूरी टीम मौजूद रही। पूरी टीम द्वारा इस मौके पर केक भी काटा गया। इस गाने के रिलीज के दौरान गाने की मुख्य भूमिका निभाने वाले संदीप गैंगलेस व अनिशा सिंह मौजूद रही। म्यूजिक डायरेक्टर व सॉन्ग राइटर गौरव भाटी, सॉन्ग राइटर निपुण छाइंसवाला, सिंगर नोनू राणा, का विधायक जसवंतनगर शिवपाल सिंह यादव, प्रतिनिधि ठाकुर अजेंद्र सिंह गौर, नगर पालिका चेयरमैन सत्यनारायण शंखवार ने बुके व मोमेंटो देकर स्वागत किया। इसके अलावा इंस्टाग्राम स्टार हिना भारती फिरोजाबाद, अश्वी यादव इटावा, आकांक्षा राजपूत मैनपुरी, पायल रघुवंशी इटावा, दीक्षा गौतम इटावा, राशि कश्यप औरैया, राधिका सोनी इटावा मौजूद रही। सभी का बुके व मोमेंटो देकर अजेंद्र सिंह गौर, सत्यनारायण शंखवार, आलोक गैंगलेस व शकुंतला देवी ने स्वागत किया। डायरेक्टर सभी लोग मौजूद हैं और सभी को पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा हमारे कार्यक्रम में आगे बेटा बैठ जाओ उसका विषय है कि जैसे कि यहाँ पर गैंगलेस म्यूजिक के द्वारा एक कंपनी स्टार्ट की गई है जो हमारा गैंगलेस ग्रुप है, जिसमें आपने पहले हमारे इवेंट के कार्यक्रम देखे होंगे गैंगलेस इवेंट्स के नाम से, गैंगलेस फूड के नाम से हमारी कंपनी है। अभी ये नया सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है गैंगलेस म्यूजिक के नाम से, और इस गैंगलेस म्यूजिक में हमारे साथ बहुत अच्छी टीम भी हमारे साथ में जुड़ी है। और पहला सॉन्ग आज हम यहाँ पर सभी लोग लॉन्च करने के लिए आए हैं और सभी एकत्रित हुए हैं, तो उसी क्रम में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो हमारी टीम रही है इस काम को पूरा करने में, तो मिस्टर गौरव भाटी जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनका प्रोडक्शन हाउस चलता है गौरव भाटी के नाम से, जो उन्होंने ये पूरा गाना हमारे लिए बनाया है, इसका ऑडियो इसका वीडियो शूट किया है, बना के दिया है, तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा गौरव भट्टी जी का। एक बार बुके लाइएगा और यहाँ पर साथ ही और उनकी पूरी टीम भी आई है, राहुल भट्टी जी, योगी भट्टी जी, राधे दादूपुर जी, हर्ष भट्टी जी, तो यहाँ पर वो पूरी टीम आई है उनकी, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर उनको एक सम्मान देंगे, बुके का सम्मान देंगे। मैं चाहूंगा आप हमारे नगर के चेयरमैन साहब इनका स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। एक बार मैं राहुल भाटी जी को भी सम्मान दिलाना चाहूंगा, राधे राधे जी, एक बार जी जी जी। ये हमारी पूरी टीम है जो हमारे साथ पिछले एक महीने से हम लोग वर्क कर रहे हैं और दिन रात काफी एक किया है इस हमारे प्रोजेक्ट के लिए। हाँ जी हाँ जी, राहुल भट्टी जी एक बार आइए। जोरदार तालियां बजाएंगे, स्वागत करेंगे सभी लोग।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाचा जी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप भी हमारे बीच आए। अजय गौर जी योगी भाटी जी को मैं बुलाना चाहूंगा, एक बार आए प्लीज और उनका स्वागत है, दो जानकारी उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कोशिश है हमारे चैनल की और आगे भी हमारी टीम ने काफी कॉपरेट भी किया है भाई को, और गाना आप सभी ने देखे हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग है उनका, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। तो आगे जो सॉन्ग आने वाले हैं, अभी हमारा एक सॉन्ग और पेंडिंग है जो अभी हम 15 दिन के बाद लॉन्च करेंगे, तो वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो मैशअप है। तो मैं चाहूंगा भाई, सारे भाई जितने भी यहाँ पे सब बैठे हैं, तो भाई को सभी प्यार दें, उनका हौसला बढ़ाएं कि आगे को और अच्छे अच्छे वीडियोस करें। तो आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई को। तो मैं चाहता हूँ जो भी परिवार पूरा बैठा है, सारा भाई को सपोर्ट करें ज्यादा ज्यादा और उनका हौसला बढ़ाएं। थैंक यू। आपका पहला, तो संदीप जी पहला आपका सॉन्ग लॉन्च है, तो क्या कहना चाहते? बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ हमारे नगर में हम अपना नया काम स्टार्ट अच्छे से किया है, और इस वर्क के माध्यम से हम अपने क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारी टीम ने हमारे गाने को लेकर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत अच्छे से सपोर्ट से काम किया है, तो बहुत ही सराहनीय रहा है, और मेरे लिए ये पहला वर्क एक्सपीरियंस रहा है जिस तरीके से हम लोगों ने सारा साथ में काम किया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और जितनी मेहनत हम लोगों ने पिछले एक महीने से की है वो आज रंग लाई है। चंदी जी, कौन कौन गाने में साथ है आपके? हमारे गाने में जैसे कि मैं एज अ मेल लीड काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ में जो फीमेल मिस अनीशा सिंह जी फ्रॉम दिल्ली, वो इसमें मेन लीड रोल में हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर हमारे गौरव भाटी जी और उनकी टीम ने पूरा साथ दिया है, जिसमें ऑडियो एंड वीडियो उनके द्वारा ही बनाया गया है। जी, हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब रहेगा, यूट्यूब तो मेन चैनल है हमारा, गंगलेस म्यूजिक चैनल है। इसके अलावा फेसबुक पे भी हमारा पेज है गंगलेस म्यूजिक के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है गंगलेस म्यूजिक के नाम से, स्नैपचैट पे भी हमारा पेज है गंगलेस म्यूजिक के नाम से, और इसके जो शॉर्ट्स रहेंगे वो गैंगलेस म्यूजिक शॉर्ट्स के नाम से यूट्यूब पे अवेलेबल है। सोशल मीडिया पूरे देश में करीबन 13,000 करोड़ रुपया सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार ने प्राप्त किया है पूरे देश के यूट्यूबर में। क्या कहोगे, सोशल मीडिया आगे और कार्य करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट जिस तरीके से वर्क कर रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ रहा है, और आपने देखा ही होगा कि हमारे क्षेत्र से भी अभी रिसेंटली बिग बॉस तक लोग पहुंचे हैं, तो ये सोशल मीडिया का ही कमाल है, और अपनी बात को रखना, अपनी बात को कहना और अपनी चीजों को आगे बढ़ाना वो सोशल मीडिया के माध्यम से। यूट्यूबरों के लिए कोई कानून लोकसभा में लाना चाहते हैं, इसके विषय पे क्या कहोगे? अब जब कानून आएगा तब इसके विषय में तब बात हो पाएगी, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। जसवंत नगर जैसे कस्बे से आते हैं आप, तो इस क्षेत्र में जाने का आपको कैसे विचार आया? मेरा पर्सनल रुचि शुरू से ही मैं इंटरेस्ट रखता था सिंगिंग को लेके, हालांकि मेरी स्कूलिंग हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज से ही हुई है, और इसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने आगरा चला गया। आगरा के मैं जाके वहां पर मुझे एक इंस्टीट्यूट में सीखने का मौका मिला, श्री मनोज कोहली जी मेरे गुरुजी हैं आगरा में, और उनके ही द्वारा मैंने अपनी सिंगिंग जर्नी को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद में मैं पूरी पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद बॉम्बे पहुँचा, और बॉम्बे मैंने 5 ईयर अपने वर्क को दिया है, और इसमें मैंने वहाँ पर भी संगीत की अपनी एक साधना की है, और मेरे जो वहाँ के गुरुजी रहे हैं श्री संजय मिश्रा जी, और मिस हमारी एक मैम है श्री जयश्री मैम, वहाँ मैंने उनसे संगीत की उपलब्धि प्राप्त की है, चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं। तो मैं हमेशा से चाहता था कि कुछ मैं आगे इस क्षेत्र में करूँ, और यहाँ आके मैंने सबसे पहले नींव रखी अपने गैंगलेस इवेंट की, जो वेडिंग प्लानर के तौर पर चलता है, और पूरे क्षेत्र में मैं इटावा, आगरा, आपका दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, सब जगह है मेरा गैंगलेस इवेंट के नाम से
पहला हमारा स्लॉट चलता था, अभी भी चल ही रहा है, और इस सेगमेंट में मैं नए तरीके से जुड़ा हूँ, तो जो म्यूजिक से रिलेटेड था, तो गैंगलेस म्यूजिक मैंने इस तरीके से लॉन्च किया जिसमें मैं ओरिजिनलिटी के साथ में जो भी हमारे गाने होते हैं मैं प्रॉपर यहाँ पर ला सकूँ और लोगों को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकूँ। जैसा कि पता है कि आप ग्रामीण अंचल से आते हैं जी, तो ग्रामीण अंचल से लेकर हरियाणवी सॉन्ग और हरियाणवी सॉन्ग से लेकर आपका जो आपने हम लोगों को बताया कि बॉलीवुड तक का रास्ता जी, इतने बड़े रास्ते में क्या कठिनाइयां आपको आई और आप उन प्रतिभाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि ग्रामीण अंचल से आते हैं? देखिए रास्ता बहुत कठिन है और अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है अपना काम करने का तो खुद ब खुद चीजें रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जब हमने भी सोचा था कि हम करेंगे कैसे करेंगे क्या करेंगे, आप बिलीव नहीं मानेंगे, ये मेरा बहुत सपना था कि अपने म्यूजिक चैनल को लाने का, और बहुत सपोर्ट मिला है मुझे इस चैनल को लाने के लिए। मुझे पता है कि मेरे पीछे कितना बैक सपोर्ट रहा है हमारे लोगों का, तो मैं इस कदम को आगे बढ़ा पाया और जहां तक मैंने इसको महसूस किया कि हम लोग आज जो इस इंडस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं तो हरियाणवी म्यूजिक कुछ ज्यादा ही लोगों के बीच में आ रहा है। जितने भी सॉन्ग आ रहे हैं आप कोई भी डीजे उठा के देख लीजिए, वहां पर काफी हरियाणवी सॉन्ग्स एकदम डांसिंग के तौर पे चलते हैं तो लोग पसंद करते हैं। तो मैंने यही टेस्ट पहले ले आया है कि हरियाणवी सॉन्ग से मैंने स्टार्ट करा है, मेरे अगले प्रोजेक्ट जो है वो बॉलीवुड प्रोजेक्ट आपको आने वाले हैं, तो मेरे दोनों ही प्रोजेक्ट इस चैनल पे आएंगे और दोनों ही तरीके से मैं सामने वर्क को रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी लोग प्यार करें इस चीज का। पहले स्टूडेंट, फिर मिठाई, फिर इवेंट, फिर सॉन्ग और अब बॉलीवुड का रास्ता, क्या संदेश आप देना चाहते हैं प्रतिभाओं? देखिए कि सभी प्रतिभाएं हैं अपना एक एम लेके चलती हैं, ठीक है, तो एम लेके चलने का सिस्टम ये है कि मेरा भी एक एम है कि मैं अपनी जो चीजें मेरी शुरू से ही बॉलीवुड थिंग्स की रही हैं तो मैं उन सारी चीजों को लेके अपने ही चैनल पे आना चाहता हूँ। माध्यम मैंने अपना हरियाणवी से बनाया है और हरियाणवी पे भी मैं रहूंगा ही क्योंकि हरियाणवी चैनल बहुत अच्छा वर्क करता है, सॉन्ग्स काफी अच्छे आते हैं, लोग बहुत अच्छे से सराहते हैं, और बॉलीवुड क्या है कि बॉलीवुड का एक अपना एक डिफरेंट पैटर्न है तो लोग बॉलीवुड को भी पसंद करते हैं, तो मैं उस बॉलीवुड पे भी आना चाहूंगा। संदीप जी, कैसे देखते हो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो युवा काम कर रहे हैं, क्या देखते हो पाश्चात्य सभ्यता अपने युवाओं में हावी हो रही है, क्या हिंदुस्तान की संस्कृति को भूल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए डिपेंड करता है कि आप वहां पर क्या दर्शाना चाह रहे हैं। देखिए आप चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं भी है जो हमारी सभ्यता को भी आगे लेके बढ़ रही है, तो ये तो दोनों तरफ से पक्ष होते हैं कि कौन क्या दिखाना चाह रहा है। हमने भी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने सॉन्ग में भी आपको वही चीज दिखाई है जो एक परिवार में होती है, एक मतलब एक लव थीम के साथ में रोमांटिक सॉन्ग जो हमने दिखाया है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये एक जो सभ्यता के हिसाब से आपने जो बात कही है तो ये चीज अच्छी निकल के आएगी लोगों के साथ। बिना पाश्चात्य सभ्यता को अपनाए हुए आप बॉलीवुड का सफर और उसकी सक्सेस कैसे तय कर सकते? देखिए सक्सेस तो क्या है कि ये डिपेंड इंसान के ऊपर ही करता है कि आप किस तरीके से, बॉलीवुड में भी ऐसा नहीं है कि आप जो आप पाश्चात्य सभ्यता को लेके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसमें बिल्कुल हिंदुस्तानी सभ्यता के साथ में भी चीजें की गई। ग्रामीण अंचल से आने वाली प्रतिभाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि कार्य करते रहिए, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अच्छी अच्छी बातों को लेके अच्छी अच्छी सोच के साथ में आगे आपको बढ़ना चाहिए, और अगर आपने आगे बढ़ने का सोचा है तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको। क्या हिंदी गाने भी आप शूट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बॉलीवुड गाना जो रहेंगे वो हिंदी गाने ही आएंगे। हॉलीवुड में भी जाने का इरादा है क्या? वो तो देखिए ये भाग्य का कुछ भरोसा नहीं, अगर हॉलीवुड का भी अगर सफर तय हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो आगे की बहुत शुभकामनाएं बॉलीवुड के लिए। धन्यवाद।